तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। तो अगर मैं आपको बोलूं, ऐसा कभी आप आदमी के बारे में सुने हैं जो कुछ नहीं खाता है? सूर्य का रोशनी उसके लिए खाना है, चंद्रमा की रोशनी उसके लिए खाना है। दिन में सूर्य भगवान जी को देखते हैं और रात में चंद्रमा की ओर। कभी आप सुने हैं? क्या देखना चाहेंगे? तो हमारे सामने है मालिक का भक्त, जिनके बारे में महापुरुषों ने आज से 500 साल पहले लिखे हैं। जब संत अच्युतानंद दास ने लिख रहे थे मालिका, तो उनके साथ थे उनके शिष्य, जिसका नाम था रामदास। तो आज हमारे साथ हैं, आप सीधा देखिए कैमरा के सामने, रामदास जी आपका स्वागत करते हैं। तो हमारा दर्शक जानना चाहते हैं आप रहते हैं कहाँ पे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम मा हरे राम श्री मा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे आप? आप सूरत में भी थे? सूरत में। आप और कहाँ? अंबाजी में। अंबाजी में सूरत, उत्तर प्रदेश में भी थे? में उत्तर वृंदावन में, हरिद्वार ऋषिकेश, आओ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन, आओ नंदगा गेड़ुगा। तो जाता उड़ीसा। उड़ीसा कब आए? उड़ीसा कब आए? उड़ीसा नवकलब्र 2015। अच्छा, तो फिर आपका क्या मानना है? जो लोगों का ये मानना है कि कलयुग अपने अंतिम लीला पर है, क्या कहते हैं आप? भगवान कल्कि महाप्रभु जन्म ले चुके हैं? बाबा जी यही कपड़ा पहनते हैं, एक बस एक जोड़ी कपड़ा, एक गमछा होता है। वर्षा सब बतिया वर्षा ज्ञाने सब खाए ये बाटी पानी के भाषे, चाहे वो धूप हो चाहे पौधों फूले में, ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा जी बस यही कपड़े में रहते हैं, ब्रह्मा में। तो आप बताइए, महाप्रभु कल्कि आ चुके हैं क्या? आपको ये दिव्य दर्शन मिल चुका है? तो ये दुनिया में सबका झूठा है। ये दुनिया में एक ही आदमी मेरे को अच्छा लगता है। कौन? श्री जगन्नाथ। तो अंतिम प्रजा में जगन्नाथ बोला था, राम जी लाला कितना मारा ये दुनिया में जाला, ज्यादा मगज मरू खतरा डाली तो मालिया आदि तुम मारा। ये तो वृंदावती में जो जो दशरथ में सापिया दुआ रामचतुर मानस में, तुम हरे भजन राम कपा जन्म जन्म ना, तू राति दिन करुचु मोड़िया कर दीचु राति की दिन करुचु दिन, तू निजे राति करुचु तू निजे करुचु, तते कहीं चिन्ह पारू ना कलि युगर चारि युगर भगवान तू चारि युगर ठाकुर जन्म महाप्रभु कल्कि आसारे। हाँ, निजे देखी निजे हरे कलिकी कौटी कौटी मो पेटर अच्छे हनुमान चिता नाभिरु बाहर मो नाभिरु देखु हनुमान चिता मो पेटर शिव सचिन्ह मुझे शाला को नेली झंकड़ माँ को मैंने माँ शाला को नेली नहींकर कौट आसली मन कह रात नवकल कहे बुरी ब्राह्मण मान सीता टोकी टोका तो पर नहीं बाबा आप ही बोले थे 2027 में कुछ होगा, क्या होगा? सच्चा रही गाँ गाँ से पोड़ा हो तो अग्नि जलू थब ये पुआ को देखे आइली अग्नि जलुची नेबाड़ रास्त मुझे देखे ली नईकर। तो बाबा जी का मानना है कि 2027 गाँ गाँ अग्नि सत्ता बिल्कुल खो जाएगा, बिल्कुल जो है सत्ता मिट जाएगा संपूर्ण विश्व का, बाबा जी का भक्त। लेकिन ये आप एक ही है, आप संसार आनंद है, आप संसार धन्य हुआ, आप प्रभु जी की। बाबा जी का ये मानना है प्रभु जी की मिलेगा। जो भक्त हैं, जो चतुरा भक्त हैं, उनका कुछ नहीं होगा, भक्त जो है हमेशा भगवान के पास ही रहेगा। पूरी रे काठा कथा कहूनी पूरी रे साठे बड़ी भोखा हम यही उनके रक्षा करेंगे। तो बाबा जी ये बताइए, आने वाले जो चुनाव 2024 का जो चुनाव है, कौन बैठेगा दिल्ली सिंहासन पर? दिल्ली सिंहासन राजा आप। तो बाबा जी ने ऐसा कुछ नाम बोले इस वीडियो के, इसलिए हमें काटना पड़ रहा है।
तो फिर बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो दोस्तों एक्चुअली में ऐसा है कि बाबा जी को जो भी आप पूछेंगे, बाबा जी एक पागल की तरह अभिनय करते हैं लेकिन असल में वो है नहीं, वो बातों को अच्छी तरह से घुमाना जानते हैं। तो बाबा जी अभी हमारे सम्मुख है, कल कहाँ जाएंगे, कल किसको कहाँ, कौन बाबा जी को कहाँ देखेगा, वो भी हमें पता नहीं है। लोगों का ये मानना है कि बाबा जी को एक जगह अगर आप यहाँ पर देखेंगे 8 बजे, तो 9 बजे आप देखेंगे लगभग 200 किलोमीटर के बाद। अगर मैं उड़ीसा प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अगर आप बाबा जी को यहाँ पर देखते हैं 8 बजे कटक में, तो बाबा जी शायद 9 बजे मिलेंगे पूरी में। तो बाबा जी को कौन कहाँ पे, वृंदावन में हरिद्वार से तो बाटर चल जाता है, वृंदावन में रात में देखता, तो पूरी रे रात में देखा था, दिन में केंद्रापड़ा भुवनेश्वर मैंने वृंदावन चला जाएगा। पवन में पवन साधना, सूर्य साधना और अकित ब्रह्म विद्या। बाबा जी का मानना है कि बाबा जी को पता है कि सूर्य साधना और पवन साधना, सकल शक्ति सूर्य सर्व शक्ति सूर्य, इसीलिए वो दिन में जो है सूर्य जी की ओर देखते हैं और रात को चंद्रमा की ओर, और ये होता है उनका 24 घंटे की आहार। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, क्या बाबा जी को अगर आप भी और वीडियो देखना चाहते हैं, ये मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ कि आगे मैं बाबा जी को आपसे मिला पाऊँगा या नहीं, मुझे भी पता नहीं बाबा जी कहाँ रहते हैं। आप उसे रहते कहाँ हैं? राक्षस मैंने खोजती मत पाती नहीं, हर माया कोई नहीं पाया, मुझे बाटर देवी से माटे रुचि गोटे हुंका काढ़ी देवी से हुंका भितर पशिजी जापर लोक गोटे गछ चढ़ी जंग गाँ गंडे गच लगे गोटे गछ मैंने नईकटे अच्छी नईकटे गच रही। तो बाबा जी का ये मानना है कि उनका जो घर है विराट हुंका, कभी होता है ऊपर, कभी होता है गुफा के अंदर, कभी होता है नदी के किनारे। तो बाबा जी का ऐसा कोई घर नहीं है। तो फिर आने वाले समय में मैं आपसे ये कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा कि बाबा जी से मैं आपके साथ मुलाकात कर पाऊंगा या नहीं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए। खाली इतना ही नहीं, आप हमारा ये जो चैनल देख रहे हैं इसमें हम आपको मुलाकात करवाएंगे, जो मालिका में लिखा गया है 256 भक्तों के बारे में। तो 256 भक्तों में से बाबा जी एक हैं जो ये दुर्लभ दर्शन आप ये वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। सब बड़े पागल के माइले सब गागा रे ये वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन तू बाबा को माने सब बड़े पागल के माइले, पूरे पागल के माइले, पृथ्वी रे पागल पाले, प्रभु को चिन्ह पाइले नहीं, साधु को नहले कहना दुष्ट न साधु। दिन सूर्य हे रात चंद्र हे रात पाए तरा बढ़े तर काम होगा ड्यूटी गड़ आउ मान तर एकम्र श्री राधा का नाम प्रकाश करेंगे ना गुंजरी ह्रास करेंगे ग्रामे ग्रामे निना किंतु कली युग धनला भक्त को देखापी सुदर्शन रूप से विजय विराज मैंने कले निजे सुदर्शनधारी शंखचक्रधारी आनंत मूर्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ जय पंचखा।